विनती करने आया हूं, कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूं, और साथ में आपको कुछ गुड न्यूज भी चाहिए। गुड न्यूज जिनको नहीं चाहिए हाथ उठा दीजिए, सुनते नहीं है बताइए, उल्टी बात। मैंने कहा जिनको नहीं चाहिए हाथ उठा दीजिए, आप कहते हैं हम नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई। ठीक है भाई साहब, कोई इशू नहीं। अब मैं जानते हैं इस बात को मैंने क्यों कहा कि जब 100 में 5 लोगों को कोई चीज नहीं चाहिए होती है और अच्छी होती है तो 5 लोगों को भी मिलती है ऑटोमेटिक, 100 के 100 को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे विनती है, और विनती यह है कि देखिए इस व्यापार को किसी भी तरह से, जिस तरह से कंपनी बोलती है, जिस तरह से आपके बिजनेस को कंपनी के हेड ऑफिस से बोला जाता है, कंपनी की टॉप लीडरशिप से बोला जाता है, उसी आधार पे करें। ये मल्टीपल सॉर्ट ऑफ बिजनेस करके पैसा इकट्ठा करने का सिस्टम नहीं है। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ और सबके सामने बोल रहा हूँ, इसको व्यापार बनाइए। क्योंकि जो इस नज़रिए से इस बिजनेस को कर रहे हैं कि 3 साल में हमें इतना आ जाएगा, 2 साल में हमें इतना आ जाएगा, 100% देखिए आएगा, लेकिन वो किस लिए है? वो किसी मकसद से है, वो किसी कारण से है। वो कंपनी का प्रचार करने के लिए कंपनी आपको पैसा दे रही है, और वो प्रचार होना चाहिए। जो लोग इस तरह से लोगों को इकट्ठा किए बिना, नंबर ऑफ पीपल को जोड़े बिना काम कर रहे हैं, वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे इस बिजनेस से। आप उतने ही देखिए, अगर आपको अपनी टीम में 100 आईडी लगेंगे तो 100 लोग होने चाहिए। 100 लोग होंगे तो जीवन भर आपको पैसा दे सकते हैं बिना काम के। लेकिन अगर आप उसमें से सिर्फ 10 लोग लाएंगे और 90 लोग उन्हीं का फंड होगा, तो उससे क्या होगा? आपके पास कस्टमर ही 10 आया। आप जरा सिंपल सोचिए, आने वाला समय जानते हैं ई स्टोर का क्या है? आप जो सोचेंगे, आपने सुना होगा नोएडा के अंदर एक मॉल बन रहा है, कितने लोगों को पता है? पीछे वालों को किसी को नहीं पता। मॉल बन रहा है, मॉल का नाम बताएगा कोई? जय भारत मॉल, जय भारत मॉल। जय भारत मॉल में कंपनी का प्रयास है कि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए होता है, चाहे रोटी, चाहे कपड़ा, चाहे मकान, आपको अपने जीवन में जो कुछ चाहिए, फर्नीचर चाहिए, अंगूठी चाहिए, गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, कार चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आपको जय भारत मॉल के अंदर मिलने जा रहा है। और ये नोएडा में जय भारत मॉल कंपनी अपना बना रही है, क्योंकि कंपनी पहले क्या कहती है, पहले हम खुद प्रयास करेंगे, सफल होंगे तब आपको देंगे। कंपनी क्या कहती है, पहले हम खुद अपने ऊपर रिस्क लेंगे, जब हमारे ऊपर रिस्क सफल होगा तभी आपको बुलाएंगे। तो यही चीज है कि जब कंपनी खुद सफल होती है तभी आपको उसके साथ एसोसिएट करती है। तो जय भारत मॉल उम्मीद करता हूं अप्रैल मई तक पूरा हो रहा है, 2022 तक, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। एक फ्लोर कंप्लीट हो चुका है अनाउंस किए हुए 1 महीने में, मात्र 1 माह में 1 फ्लोर कंप्लीट कर चुके हैं, 4 फ्लोर का है। तो देखिए, ये जय भारत मॉल नोएडा में पहला स्टार्ट हो रहा है, लेकिन देश के कोने कोने में आने वाले समय में कंपनी का प्लान है, आने वाले समय में हर महानगर के अंदर जय भारत मॉल होगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि पहले कहां खुलना है, ये आप डिसाइड करेंगे कि नोएडा के बाद अगला कहां खुलेगा। ऑलराइट, ये कहां खुलेगा, कैसे खुलेगा, इसका प्लान क्या है, इसका बिजनेस आइडिया क्या है, ये अभी नहीं बताया जाएगा, ये समय पर बताया जाएगा। कब बताया जाएगा? 2022 में बताया जाएगा। तो सबसे बड़ी विनती यही है कि इस व्यापार को व्यापार समझें, यह कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है, यह कोई पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना करने का सिस्टम नहीं है। इसको जैसा है वैसा ही मार्केट में ले जाएं, ये एक आम जन का व्यापार है, आम पब्लिक का व्यापार है, घर घर जोड़ना है, हर आदमी को जोड़ना है, और उसी से आपका व्यापार सफल होने वाला है। दूसरा, मेरी तरफ से आपको एक अनाउंसमेंट है, आज इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा समय है, और इस अच्छे समय में बहुत अच्छे लोग हमारे आपके साथ मौजूद हैं, आप सब लोग मौजूद हैं। बहुत से लोग परेशान हैं, कंपनी ने क्या किया, 11 आईडी बंद कर दिया, मुंह लटके हुए हैं सबके, हैं ऊपर से हंस रहे हैं, अंदर से बड़े टेंशन में हैं, अब क्या होगा, है जी, यस या नो? ठीक किया हमने 11 आईडी बंद करके ना, नहीं होनी नहीं चाहिए मल्टीपल आईडी, आप कह रहे नहीं,
यस कह रहे हैं आप, होनी चाहिए ना 11 आईडी चाहिए, 22 क्यों नहीं चाहिए? 22 में टेंशन है, अगर 11 है तो 22 है नहीं। देखिए कस्टमर क्रिएट कीजिए, भीड़ क्राउड होना चाहिए। आज आप एक सफल सेमिनार कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ 5 लोग बैठे होते तो होता है सफल है? तो फिर 11 लाके क्या करोगे? 5 लोगों का व्यापार बनाना है, 10 लोगों का व्यापार बनाना है क्या? इसमें आम जनता को आप एसोसिएट कीजिए, घर घर पहुंचिए तो सही, देखिए कितना बड़ा सिस्टम बनने वाला है। जीवन भर आपको किसी भी बारे में कुछ भी सोचे, आप हस्बैंड से लड़े, वाइफ से लड़े, पड़ोसी से लड़े, रिश्तेदार से लड़े, लेकिन बिजनेस के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा आपको लाइफ में, ये गारंटी मेरी है। समझ रहे क्या कहना का मतलब है? लेकिन फिर भी पैसा कैसे बुरा लगता है कहिए ना, है ना, पैसा कमाना कैसे बुरा लगता है? तो इस प्लेटफॉर्म से मैं आज अनाउंसमेंट कर रहा हूं दो चीजों का। पहला है ये आईडी की वैल्यू 1.5 लाख रुपए होगी, ये एक फ्रेंचाइजी, आयुर्मित्र जैसा है ना, ऐसी फ्रेंचाइजी होगा, और इस फ्रेंचाइजी को जैसे आयुर्मित्र रन करते हैं ऐसे ही रन करना होगा, लेकिन इसकी वैल्यू आयुर्मित्र अब क्लोज हो जाएगा, ये एक नया पैकेज आपके पास आएगा इस फ्रेंचाइजी, और इसकी वैल्यू 1.5 लाख होगी, और इस फ्रेंचाइजी को लेने पर 1.5 लाख रुपए का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वैदिक आयुर्क्योर का जैसे मिलता है मिलेगा, साथ में एक 32 इंच का LED TV भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। क्या मिलेगा? सचमुच का टीवी। अब तक था बोर्ड लगाओ पैसे कमाओ, अब टीवी लगाओ चलाओ पैसे कमाओ, क्या है? टीवी चलाओ पैसे कमाओ है। इस पर क्या है, ये टीवी आपको किस लिए दिया जा रहा है? फकत ई स्टोर और वैदिक आयर की ओर के प्रचार साठी, बोल लेता हूं मराठी थोड़ी देर, आप लोगों के साथ रह रहे के मैं भी सीखता हूं, जरूरी नहीं है मैं ही आपको दूं, आप भी मुझे कुछ देते हो। तो ये टेलीविजन होगा, ये एक फ्रेंचाइजी पब्लिसिटी फ्रेंचाइजी ही होगा, ये कंपनी के प्रोडक्ट भी सेल करेगा, साथ में कंपनी के जो दूसरे वर्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, गारमेंट्स हैं, रिटेल का आउटलेट है ईस्टोर इंडिया, मोबाइल फोन का आउटलेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फ्रिज टीवी का आउटलेट है, रेगुलर इस पर प्रचार रहेगा, आप अपने घर में, अपने वरांडे में, अपनी शॉप पर, जहां कहीं भी हो सकता है आप इस टीवी को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके ये रेगुलेट होगा। ये टीवी कितना चलेगा कंपनी के साथ, ये कंपनी के सर्वर से कनेक्टेड होगा और कंपनी को सब जानकारी रहेगी कि आप इसको कितना चला रहे हैं, आपके कुछ घंटे फिक्स होंगे कि मिनिमम इतने और आपको इस टीवी को रन करना ही होगा, जिसके एवज में इस फ्रेंचाइजी को प्रमोट करने के लिए कंपनी कितना देगी? 15,000 रुपया प्रतिमाह। अब भी 11 आईडी होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है बताओ, नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक ही बहुत है। अब इसके बारे में देखिए, हल्का सा आपको झलकी दी है मैंने, हल्का सा टीजर दिया है, क्योंकि ये आईडी 8 दिसंबर से एग्जीक्यूशन में आएगी, वर्किंग में आएगी, आपको इसकी पूरी जानकारी आपके चैनल द्वारा जिस तरीके से आपको ये डेटा दिया जाता है आपको सारी जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। अभी बहुत बताने को है इसमें, तो स्टेज पे इतना नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि पूरे भारत में इसको अनाउंस करना है, ये एक अच्छा मौका है, मैंने पहले से बोला हुआ था 5 तारीख को मैं इसका अनाउंसमेंट करूंगा। तो देखिए ध्यान रखिए, ये कंपनी अगर आपसे कुछ लेती है तो कुछ देती जरूर है, आज तक ऐसा ही हुआ? आज तक ऐसा ही हुआ ना, जब 12,000 की आईडी बंद हो रही थी तो लोग क्या कह रहे थे, अरे बंद हो रही है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर क्या 9,000 की आईडी पे कहा कि मल्टीपल आईडी बंद होगी अब क्या होगा, फिर पता चला 11 आईडी बंद होगी अब क्या होगा, अरे होगा, बिना हुए तो कंपनी नहीं चलती, राइट। इसके अलावा आपके जितने भी वर्टिकल्स हैं इन्हें प्रमोट करने के लिए कंपनी 8 दिसंबर को ही एक बड़ा अनाउंसमेंट और करने जा रही है, और वो है इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव। अभी क्या हुआ था ग्वालियर में, कौन कौन गया था ग्वालियर प्रोग्राम में, कौन कौन था? 12-15 लोग 20 लोग, अच्छा इधर वाले ज्यादा हैं, इधर बहुमत है, बहुमत इसलिए कि अचीवर बैठे हुए हैं, अचीवर्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार,
अचीवर होना आसान बात थोड़ी ना होती है, भीड़ में अलग खड़े होने वाली बात है। तो यहां एक आम आदमी को भी, एक सिंपल जो कल ज्वाइन हुआ है, उसको भी अचीवर बनने का चांस है। क्या बोलते हैं, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अचीवर को तो 1 साल 6 महीना 2 साल लगे ना, बंगला अचीव, रॉयल्टी अचीव, BMW अचीव, है ना, 1 साल 1.5 साल, है ना। लेकिन कल अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया वैदिक आयर क्योर के बिजनेस को, उसको भी अचीव करने का चांस है आने वाले समय में। वो कैसे? वो है इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव। कंपनी अपना फर्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव थाईलैंड में करने जा रही है, बैंकॉक में। इसके लिए आपको 8 दिसंबर से 7 जनवरी का समय रहेगा, और इसके जो क्राइटेरिया हैं वो भी 8 तारीख को अनाउंस किए जाएंगे। तो आप लोग धैर्य से रहें, धमाके से बिजनेस करते रहें, कोई जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं। एक दिन में 43,000 आईडी आप डालते हैं, आपको अचीवमेंट लगता है, मुझे बुरा लगता है, संभाल ही नहीं पाते हम, सर्वर बैठ जाता है, समझ रहे हैं? 43,000। मैंने कहा 2 तारीख के बाद 11 आईडी का अप्रूवल खत्म हो जाएगा, 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन। क्या है ये भाई, ये बिजनेस नहीं है सर, सॉरी। आप खुश होइए इससे, मैं खुश नहीं होता। दिस इज नॉट बिजनेस, ये हाइपोथिकेशन है, और हाइपोथिकेशन जहां कहीं होगा गलत हो जाएगा, डगमगा जाएंगे। तेज दौड़ने पे गिरते हैं ना भाई, आप छोटा बच्चा होता है, चलना शुरू होता है, वो तेजी से भागने लगता है, क्योंकि जानता नहीं है, वो चोट लग जाएगी। तो आप क्या कहते हैं, थांबा। तो मैं भी आपसे कहता हूं थांबा। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी स्टेज पे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का CMD कह रहा थांबा, वरना और बाकी लोग कहते हैं लांबा, आजा आजा आजा। क्यों? क्योंकि देखिए विजन बहुत बड़ा है। ये 4 दिन की कंपनी नहीं है, ये 4 महीने की कंपनी, ये 4,000 साल भी कंपनी चलानी है, और हम और आपको मिलके चलानी है। तो अगर ये बिजनेस करना है, और सुकून से करना है, सही तरीके से करना है, सरकारी नियमों को पालन करके करना है, सामाजिक नियमों को पालन करके करना है, तो हमें और आप